हेलो एवरीवन, हैप्पी गार्डनिंग। तो मैं बाहर हूँ, 3-4 दिन हो गए और कोई वीडियो भी नहीं बना पा रही हूँ प्लांट्स पर। और लेकिन आप लोगों की वीडियो मैं कंटिन्यू देख रही हूँ और कमेंट्स वगैरह भी करती हूँ, और मेरे अब सब्सक्राइबर होने वाले हैं 1K, तो थैंक यू सो मच। और जो न्यू है चैनल पर वो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए, मैं आपको, चलो मम्मी के यहाँ पर हूँ मैं, आपको मम्मी के यहाँ जो मैंने प्लांट्स सीड से ग्रो किए थे वो दिखा रही हूँ 4 o'clock के। और ये देखिए आप टीवी की बॉडी, हमारे यहाँ टीवी का काफ़ी, हमारा टीवी का बिजनेस है पापा जी का। तो वो बॉडी जो पीछे की होती है, पीछे का पार्ट टीवी की बॉडी का, जो पुराने टीवी रखे हैं गोदाम में, तो उसमें मम्मी ने काफ़ी सारे पॉट बनाए हुए हैं ऐसे, काफ़ी सारी इसमें सब्जियां वगैरह भी ग्रो हो जाती है बहुत अच्छे से ना। इसमें ड्रेनेज होल बनाने की ज़रूरत रहती, तो देख सकते हैं आप, इसमें ड्रेनेज होल की तो ज़रूरत ही नहीं है। इधर भी देखो 4 o'clock के सीड्स ग्रो हो रहे हैं काफ़ी सारे, क्योंकि इसमें ये जो सूखी लकड़ी देख रहे हैं ये 4 o'clock का जो है प्लांट था, और इस पर ही काफ़ी सारे सीड्स आए थे। काली मिर्च जैसे गोल गोल से सीड्स होते हैं इसके, वो मैंने निकाल करके प्लांट्स पर से इसमें ही डाल दिए थे। और अब मैं देखा, एक डेढ़ महीने बाद आई हूँ घर पर, तो देखा मैंने ये सभी प्लांट्स जो है ग्रो गए, क्योंकि इनका टाइम भी था, अब सीज़न है इनका जल्दी से ग्रो होने का। तो ये मुझको मिले, देखा इतने बड़े बड़े हो रहे हैं, ये तभी जब मैंने डाले होंगे तभी ये ग्रो हो गए होंगे, और अब मुझको इतने बड़े मिले। और काफ़ी सारी क्वांटिटी में ये प्लांट्स हैं, इसमें से कुछ प्लांट्स गिफ्ट कर दूंगी मैं और कुछ इसमें रख लूँगी, 2-4 इसमें रख लेंगे और उनकी पिंचिंग कर देंगे, तो बहुत सारी क्वांटिटी में हमको फूल मिल जाएंगे। और मिट्टी इसमें इतनी अच्छी मम्मी बना कर रखती है, क्योंकि मम्मी भी किचन वेस्ट भरती रहती है, और इसमें भी गोबर की खाद भी बहुत सारा मटेरियल डला हुआ है, तो इतनी अच्छी मिट्टी है और नमी बनी रहती है, तो सीड्स भी जल्दी ग्रो हो जाते हैं। आप देख सकते हैं घास भी हो रही है और सीड्स भी तरह तरह के हो रहे हैं, इसमें सदाबहार के भी, धतूरे के भी, गेंदे के भी, बहुत सारे नीचे प्लांट्स इसमें बने हुए हैं। और आप देख रहे हैं कि ये सारे 4 o'clock के सीड्स हैं, 4 o'clock के प्लांट्स हैं। ये शायद हिल रहा है, देखो ये मुरझा गया, काफ़ी सारे प्लांट्स हैं, कोई दिक्कत नहीं कितने भी, क्योंकि वैसे भी उखाड़ने पड़ेंगे, इसमें से बहुत ज़्यादा हैं और भी हैं बहुत, मैं दिखाऊंगी आपको। बहुत ही सुंदर इस पर फ्लावर्स आते हैं, 4 o'clock इसलिए बोलते हैं इसको, क्योंकि इसके फूल जो है शाम 4 बजे खिलते हैं, पूरी रात खिले रहते हैं और सुबह 9 बजे बंद होते हैं, और बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लावर्स आते हैं, तो बहुत अच्छे लगते हैं। इसका कलर भी बहुत अच्छा है, इनके फ्लावर्स का कलर भी बहुत अच्छा है, बस एक ही कलर है मम्मी के यहाँ पर, उसी के इतने सारे प्लांट्स हो गए हैं। देखिए यहाँ पर भी, ये क्या है पटड़ी, जो बैठने की पटड़ी होती है उसी को मम्मी ने उल्टा कर करके इसमें मिट्टी वगैरह जो भी गोबर की खाद वगैरह भर रखी है, उसमें भी सीड्स ग्रो जाते हैं, बहुत अच्छी तरह सीड्स ग्रो होते हैं यहाँ पर। देखिए ये भी ऐसे ही बिना ग्रो किए हुए ऐसे ही डाल रखे थे, इसमें भी ऐसे ही हो गए सीड्स, धतूरे के भी और 4 o'clock के भी, और यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर मनी प्लांट भी हो रही है। मिट्टी हर जगह ऐसी ही मिलेगी मम्मी की खाद वाली। तो जिसको शौक़ होता है प्लांट्स का, वो तो इसी तरीके से मिट्टी का जो लालच है वो बनता रहता है, क्योंकि कोई भी किचन वेस्ट वगैरह बाहर नहीं डालते, ताकि मिट्टी उपजाऊ बनी रहे। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे भी यहाँ आकर, काफ़ी सारे प्लांट्स ग्रो कर रखे हैं। आज तो मैंने आपको 4 o'clock के ही जो है आपसे शेयर किए, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए।